जय गायत्री माँ। आप सभी भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। और आज हम बताएंगे आप सभी को कनेर की जो जड़ होती है उसको शुद्ध कैसे करना है और उसको शोधित कैसे करना है, इसकी विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। कनेर, ऐसे तो कनेर की तीन प्रजातियाँ होती है, पहला सफ़ेद फूल वाला, दूसरा लाल फूल वाला और तीसरा पीला कनेर होता है, पीला कलर में। तो आप जिस औषधि अंग में जिस कनेर को आप लेना चाहते हैं उसको आप ले सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वीर्यवान सफ़ेद कनेर होती है और सफ़ेद कनेर का जो जड़ है उसका ज़्यादा प्रयोग आयुर्वेद के क्षेत्र में किया जाता है। तो आपको जैसे जैसे आपको ज्ञान हो उसी के अनुसार से आप कार्य करते रहिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे YouTube चैनल में नए आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो हम आगे की वीडियो चालू करते हैं और आप सभी को हम बताएंगे कि कैसे इसको शुद्ध करना है। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो आप कनेर की जड़ ले आइएगा, आपको जितना इसकी आवश्यकता है उतना औषधि प्रयोग के लिए उतना आप कनेर जड़ ले आना। और लाने के बाद में उसको मस्त किसी पानी से, उसको साफ पानी से धो लेना। धोने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना कुल्हाड़ी से या जैसे आपके पास जो सुविधा हो चाकू आदि से उसको काट लेना छोटे छोटे, ऐसे जैसे अंगुली का ये पोर जो दिखा रहा है ऐसा ऐसा छोटा भाग छोटा छोटा उसको काट लेना है। अब काटने के बाद में एक साफ सुथरा कपड़ा लीजिएगा और उस कपड़े में गठरी जैसा पोटली बना लीजिए, उसको डाल दीजिए जड़ को, कनेर के जड़ को, और उसका पोटली बना लीजिए। अब पोटली बन जाए तो दोला यंत्र होता है जो वैद्य, जो पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे हैं वो लोग दोला यंत्र बनाते थे औषधि को शोधन या शुद्ध करने के लिए। तो दोला यंत्र का चित्र तो अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, कभी बनाकर आपको दिखाऊंगा दोला यंत्र का चित्र। तो दोला यंत्र में दूध डाल दीजिएगा और उसमें इस पोटली को डाल दीजिए जिस पोटली में आपने कनेर का जड़ को छोटे छोटे टुकड़े करके बांध कर रखे थे उसको डाल दीजिए। और दोला यंत्र में दूध डाल देना है आपको और धीमी आंच में उसको पकाना है सुबह से लेकर शाम तक के। इस तरह से आप करते हो तो आपका जो कनेर का जड़ है वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और आप इसे औषधि प्रयोग में प्रयोग कर सकते हो। जैसे जड़ी बूटी गोली बनाना है, आशा वरिष्ठ बनाना है, टेबलेट बनाना है या प्रवाही आदि बनाना है, उसमें आप जैसे आपको ज्ञान है उसी के अनुसार से आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और एक बात और है, ऐसे तो कनेर बहुत जहरीली होती है और इसको शोधन करना चाहिए। इसे इंसान जहर को हर रोज डेली खाता है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और कॉफ़ी, ये सब तो एक प्रकार का जहर ही है। तो इंसान सोचता है कि भाई इसको हमको शोधन करें कि ये करें, तो बड़े बड़े चीज़ को जो खा लेते हैं इंसान में क्या है, सर्फ से ज़्यादा जहर पचाने की क्षमता तो इंसान में होता है। तो आप इस विधि में जो बताया वह विधि से आप अगर आप शोधन करते हो कनेर की जड़ को तो आयुर्वेद औषधि बनाने में कारागार और रामबाण सिद्ध होता है। तो आप इसमें जो बताएं उस विधि के अनुसार से मेरे भाई बहन आप इसको शोधन कीजिएगा और आप औषधि अंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बटन को दबा देना और शेयर कर देना। तो आप सभी को विदा लेता हूँ, फिर एक जड़ी बूटी के साथ हाजिर होऊंगा। जय गायत्री।